रखोगी तो मुझे वहाँ आटा दाल रखते हैं जहाँ। चलो चलो मानव दादाजी को नहीं छोड़ेगा। हाँ मानो याद रहे इस बार तेरी बारी है। हाँ मुझे याद है पर पहले वो गेम तो ढूंढ लो। अरे बल्लू लल्लू वहाँ क्या ढूंढना है, वो देख गेम। क्या बात है बापूजी, एक मिनट में दिख रही। क्या हैंडसम लग रहे बापूजी, क्या बात है। बापूजी को आधी दाढ़ी आपको अच्छी नहीं लग रही थी, एक काम अच्छा किया इस पागल ने, आपकी दाढ़ी निकाल दी। मानव जल्दी खेल। हथियार हमारे पास है, बाबूजी डरिए मत, हथियार हमारे पास है ना बाबूजी। अरे एक बार ये हथियार उठ जाएगा मैं इसको मार दूंगा। मैं एक बार ये हथियार उठे बात यारा यारा उठ गया। बाल बाल बच गए। हाँ। जल्दी पढ़। हाँ। दूर से आ रहा है करने कोई तुम्हारा शिकार, बचा नहीं कोई शिकार इसे कभी। जरूरत होगी तुम्हें उसके सर पर छाव देने वाली चीज की, उसके तले मिलेगी तुम्हारी मुझे मिलने की अगली कड़ी। अबे शिकारी कौन सी नई मुसीबत है, अब हम क्या करें? मानो मेहर सबसे पहले हम इस घर के बाहर जाते हैं, वरना हमारे साथ साथ घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो चलो। हाँ हाँ चल चल। बालवीर अब तुम्हारे अंत का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो शिकारी आएगा उसे तुम बालवीर बन के ही हरा सकते हो। लेकिन अभी तो तुम सिर्फ बल्लू हो, शक्तिहीन बल्लू। शाबाश चक्रव्यूह परी, शाबाश। अब ये शिकारी करेगा तो शिकार बल्लू का, लेकिन हो जाएगा समाप्त बल्लू के रूप में बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर यानी बी। अब ना तो खुद को बचा पाएगा और ना ही इन प्यारे प्यारे सच्चे और अच्छे बच्चों को। हाँ तौबा तौबा, बालवीर का अंत अब करीब है, बहुत करीब, क्योंकि इस बार बुराई का हर चक्र चलेगा चक्रव्यूह पर। समझ में नहीं आ रहा है ये एक जादुई बोर्ड गेम पृथ्वी पर कैसे आ गई। हाँ। और पता नहीं क्यों बालवीर भी हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बालवीर बालवीर बालवीर। कोई फायदा नहीं मानो मैं, तुम्हारा बालवीर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। मेरी सारी शक्तियां छीन चुकी है और मैं बल्लू बनके तुम सब के साथ इस गेम में फंस गया। और मुझे दुख है कि मेरे साथ साथ तुम दोनों की जान भी इस खतरनाक खेल में फंस गई है। मानो है ये मानो महर ये मानो, मुझे लगता है इस बार गेम का खास सच नहीं होने वाला है। हाँ, अगर होने वाला होता तो फिर शिकारी अब तक आ गया होता, है ना? हाँ, आज बच गए। तीर, इसका मतलब कि शिकारी आ गया है। शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम सिर्फ भागकर ही अपनी जान बचा सकते हैं। भागो भागो। वाह, बस बच्चों भेजते रहो ऐसे प्यारे प्यारे पत्र हमारे पास, क्योंकि आपके पत्र है लाते ढेर सारी खुशियां अपने साथ। बाल परी, हमारे पास समय बहुत कम है, आप तुरंत बालवीर को बुलाएं। जी रानी बेटी। बालवीर, बालवीर। मेहर बल्लू, हाँ, मेहर से भागने से काम नहीं चलेगा, वरना वो शिकारी हमें कभी पकड़ सकता है। हाँ, हमें चुप चुप के आगे बढ़ना होगा। लेकिन बल्लू लल्लू यहाँ कहाँ छुपे है? बोल ना। पर वो देखो टेम्पो। बाल परी, लगता है बालवीर अब नहीं आएंगे, वो जरूर किसी मुश्किल में है। और परियों, हमें लगता है कि परी तारा का ये गुम हो जाना और बालवीर का ना आना, ये दोनों का सीधा सीधा संबंध है। रानी परी, बालवीर के हाथ पे परी तारा का चिन्ह ना होना मतलब उसके लिए बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है। हाँ रानी परी, परी तारा के चिन्ह के बिना बालवीर बल्लू से दोबारा बालवीर नहीं बन पाएगा। बिना अपनी जादुई शक्तियों के वो हमेशा शक्तिहीन रहेगा। रानी परी, ऐसी स्थिति में तो हम अपनी जादुई शक्तियों के बिना बालवीर को नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें लगता है कि इसमें भयंकर परी का हाथ है। हाँ परियों, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बालवीर को ढूंढने का हर संभव प्रयत्न करेंगे और साथ ही साथ भयंकर परी से भी कड़ी पूछताछ करें। परियों, इसीलिए कुछ परियां बालवीर को ढूंढने जाएंगी जी रानी, और कुछ परियां हमारे साथ भयानक लोक में जाएंगी जी रानी। अब हमारे हर प्रश्नों का उत्तर हमें भयंकर परी से ही मिलेगा। मानो मैं अगर हमें शिकारी से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले गेम को ढूंढकर तो गेम का अगला पड़ाव खेलना होगा। हाँ बल्लू, वो जो पहली थी फिर से पढ़ना। हाँ, 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 याद करनी पड़ेगी। हाँ, वो ना। हाँ करता हूँ। दूर से आ रहा एक शिकारी करने तुम्हारा शिकार, बचा नहीं आज तक कोई उस शिकारी से। जरूरत पड़ेगी तुम्हें उसके सर पर छाव देने वाली चीज की, उसके तले मिलेगी तुम्हें मुझे पानी की अगली कड़ी। देने वाली चीज कौन सी हो सकती है? मानो याद है, शिकारी ने एक हैट पहनी हुई है। हाँ, और वही उसे छाव दे रही है। इसका मतलब कि हमें गेम का अगला क्लू उसके हैट के नीचे से मिलेगा। हाँ, तो हमें सबसे पहले उसकी हैट निकालनी होगी। अरे मैं, अगर हम लोग उस शिकारी का हैट निकालने जाएंगे ना, फिर हमारी जान निकालेगा। चिंता मत करो मानो, मैं इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या? चलो। शिकारी के सर पे नहीं है बाल घने, लेकिन हूँ मैं बच्चों के खेलने की उस जगह जहाँ है हरी हरी घास घनी, वहीं पत्थर के बैठके के नीचे मुँह में पड़ी। मानो मेहर, भागो! लो, पड़ गया भारी बालवीर तुम्हारे इस शिकारी पे भी। चल गया पता उसे कि है पड़ा कहा तुम्हारा वो चक्रव्यूह का खेल। सिर्फ पता लगाया है, अभी तक उसे खेल मिला नहीं है। और चाहिए भी नहीं मिलना, वरना बिगड़ जाएगा हमारा सारा बना बनाया खेल। होना चाहिए इस बार बुराई का ऐसा वार कि होकर ही रहे बालवीर का शिकार, समझे? वो पत्ता का बैठ का बाहर ढूंढेंगे। बल्लू, वो जो पहली थी फिर से बोलना। अब शिकारी के सर पर नहीं है बाल घने, लेकिन हूँ मैं बच्चों के खेलने की जगह जहाँ है घास घनी, वहीं पत्थर के बैठके के तले हूँ मैं पड़ी। हरी हरी घास बैठ का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरी हरी घास मतलब गाड़े। हाँ, और हम लोग तो गार्डन नहीं है। हाँ, अब हमें वो पत्थर का बैठका ढूंढना है। वेरी गुड मानो मैं, अब हमें जल्द से जल्द पत्थर का बैठका ढूंढना होगा। अब कहाँ है वो? वो रहा पत्थर का बैठका। हाँ, और हो रही गेम। हाँ, वेरी गुड मानो, अब अगली बारी मेरी है, तो मैं वहाँ जाकर अपना दाव खेलता हूँ, लेकिन तुम दोनों शिकारी से सावधान रहना, ठीक है? ठीक है। तू जल्दी जा। आ गया बालवीर शिकारी के तीर के निशाने पर। अब बालवीर का अंत निश्चित, क्योंकि इस शिकारी के तीरों से कोई भी नहीं बच सकता। हाँ होगा बुराई के तीरों की मार से बालवीर का शिकार। बच गए ये बच्चे, फिर बच गए। अरे हाँ तोबा तोबा, है तू बेवकूफ सचमुच, है गया समझ, है ये भी एकदम नकारा बेकार और अनाड़ी, बिल्कुल आपकी तरह। मतलब अगर करता रहा बालवीर ऐसे ही हर पड़ाव को पार तो जीत जाएगा वो, और मिलेगी इनको करारी हार। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि चक्रव्यूह के चक्रम में अभी बहुत खतरनाक पड़ाव बाकी। हाँ, ये देखते, जिनमें बालवीर फंसेगा भी और बाहर भी नहीं निकल पाए। बुराई के सबसे बुरे चक्र चलाएगा चक्रव्यूह परी का ये खेल। चिट्ठी? कहाँ चिट्ठी? बस हो गया, अब मुझे गेम नहीं खेलना है। हाँ, मुझे भी इस गेम से छुटकारा चाहिए। मालूम है, अगर हमें इस गेम से छुटकारा पाना है तो हमें ये गेम पूरी करनी होगी, हमें इसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचना ही पड़ेगा। तुझे ये सब कैसे पता बल्लू लल्लू? वो क्या है, वो गेम के स्टार्टिंग में वो चिट्ठी में लिखा था ना कि हमें हर हाल में करना होगा ये गेम पूरा। तो हो सकता है कि अगर हम इस गेम से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमें ये गेम पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ बल्लू लल्लू, तू सही कह रहा है, हमें इस गेम से छुटकारा पाने के लिए सारे पड़ाव पार करने होंगे। पर पता नहीं अब ये गेम कब पूरी होगी, अभी तो और कितने सारे पड़ाव बाकी हैं। बल्लू तो ये चिट्ठी पढ़। हाँ, अगला खेल खेला जाएगा वहाँ बंजर जमीन है, जहाँ बंजर जमीन मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ पे सब कुछ एकदम सूखा सूखा होता है। अब ये बंजर जमीन कहाँ से आएगा मेहर? ये क्या है? खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। ये उन सभी बच्चों के पत्र है जिन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पेड़ पौधों को पानी देते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। कुछ बच्चों के नाम हैं पंजाब के हर्षपाल सिंह, फिरोजाबाद के आदित्य श्रीवास्तव, चोपड़ा के शिवम कुमार, बिहार के पायल वी, जयपुर की खुशी और सूर्या, सतारा के हाफिज, अमरेली के विनाशी सुहागिया, गोरखपुर के अनामिका, आदित्य और खुशी, खारगर के शिप्रा फाड़के, तेलंगाना के बी सहस्र और अनूपपुर के अनिमेश जैन। बहुत अच्छे बच्चों, आप सबने ना ही सिर्फ अच्छा काम किया है बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान भी दिया है। आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों ये है आज का खास पत्र जो हमें लिखकर भेजा है मुंबई के सोहम शान। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।